लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। अयोध्या के कचहरी में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। 23 नवंबर 2007 फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से नाराज वकीलों ने कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। वकीलों की मांग है कि दोषी आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा काफ़ी नहीं है, ऐसे आतंकियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट के आरोपी तारिक काजमी व मोहम्मद अख्तर को मंडल कारागार अयोध्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। एक और आरोपी सज्जाद उर्फ रहमान को दोषमुक्त किया गया था। वकीलों की मांग है कि दोषी आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा ना काफी है, इन आतंकियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। 23 नवंबर 2007 को फैजाबाद कचहरी में साइकिल पर रखे टिफिन के माध्यम से ब्लास्ट किया गया था, जिसमें एक अधिवक्ता की मौत हुई थी और 24 लोग घायल हुए थे। इस आतंकी हमले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एसोसिएशन और वकीलों का कहना है कि आरोपी आतंकियों को आजीवन कारावास की जगह फांसी की सजा दे देनी चाहिए। वहीं बार एसोसिएशन हाई कोर्ट जाने की बात भी कर रहा है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। हमारे आतंकवादी घटना पर 23 नवंबर 2007 को जो हुई थी, उससे हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि ये जो हमला हुआ था सीरियल ब्लास्ट बनारस, लखनऊ और फैजाबाद में, वो संविधान पर हमला था, कानून व्यवस्था पर हमला था, उसके साथ पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर किया गया हमला था। और इस हमले में हमारे 4 साथी मारे गए, सीनियर एडवोकेट राधिका प्रसाद मिश्रा जी की मृत्यु हुई, 26-27 लोग घायल हुए, विभत्स मंजर था। तो हमारे हिसाब से हम लोगों को ये मानना है कि ये रेयरेस्ट एंड रेयर केस में था, इसमें कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। हम लोग को कॉपी अभी नहीं मिली है, अप्लाई किया है, कॉपी दिखवा रहे हैं, और इसके खिलाफ जो हमको आगे जाने की जो हम अगर तैयारी है तो हम बिल्कुल करेंगे। हम इस अदालत के इस फैसले से जो आजीवन कारावास की मात्र सज़ा दी है, हम इससे कहीं संतुष्ट नहीं हैं। रात को ये हमला हुआ था और हम लोगों ने FIR, चूँकि बार के हम उस टाइम मंत्री थे, तत्कालीन मंत्री थे, हमने FIR कराई थी। अज्ञात में FIR हुई थी और पुलिस ने इसमें जिन लोगों को संदिग्ध समझा, जिनको जो इसमें दोषी थे, उनको पकड़ा, बंद किया। और आज अदालत से फैसला आया है, उसमें एक सज्जादुर रहमान को छोड़ा गया है, बाकी 2 को सजा दी गई है। बहरहाल हमारे बार में आज मीटिंग भी हुई है और इसमें मीटिंग के बाद हम लोग इस पर कार्रवाई आगे करेंगे, इनके खिलाफ आगे हाईकोर्ट में अपील भी करेंगे। संतुष्ट नहीं। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।